हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग। जिन लोगों का जैसे पेट ज़्यादा होता है तो उनकी कुर्ती की कटिंग कैसे होगी, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लें, कुर्ती की कटिंग तो वैसे ही होगी, पर लोगों को ऐसा डाउट होता है कि जब कमर होता है वहाँ पे पेट आता है तो पेट का कैसे वो नाप लगाएं, शेप कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं कि पेट की जगह पेट होता है, कमर की जगह कमर होता है। जो कमर होता है उससे पेट नीचे आता है। तो सेम ही मेजरमेंट जैसे हम कुर्ती का निशान लगाते हैं वैसे ही लगाऊंगी। फिर भी मैंने जो एक मेजरमेंट की अभी वीडियो बनाई है इससे पहले, कि जिनका पेट ज़्यादा हो उनका आप कैसे नाप लें, और उसी मेजरमेंट से आज मैं कुर्ती की कटिंग भी बताने वाली हूँ। तो आपने अगर वो मेजरमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का भी एक व्लॉगिंग चैनल है जिसमें वो व्लॉग करती है, और उसमें आप मुझे देख सकते हैं, मेरी पूरी फैमिली को देख सकते हैं। तो उसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ते का कपड़ा, इस पर हम आज कटिंग करेंगे। जो मेजरमेंट मैंने लिया हुआ है सेम वही मेजरमेंट से कटिंग करूँगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं जो पेट को लेकर के पेट ज़्यादा हो वो सब क्लियर कर दूंगी मैं इस वीडियो में। वीडियो को आप पूरा देखना बस, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो सबसे पहले ये इस तरीके से मैं सिंगल कपड़ा ले लूँगी, ये डबल फोल्ड से पड़ा हुआ है तो हमें टू फोल्ड ही चाहिए। अभी फ्रंट की कटिंग होगी पहले, तो ये मैंने इस तरीके से रख दिया है। और सीधा वीधा जो सीधा होता है वो मैंने पहले ही कर लिया था ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ क्या मेज़रमेंट है हमारा। तो फ्रेंड्स, ये मेज़रमेंट है, लेंथ 40 इंच है। ये आप अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं जितनी आपको चाहिए, आपके कस्टमर को चाहिए। शोल्डर हमारा 14 है, इसका हमें आधा लेना होता है, और जब डीप नेक करते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। चेस्ट हमारा 40 है, वैसे 40 और हाफ इंच और था, पर मैंने वो हाफ इंच हटा दिया है क्योंकि जब हम चौथा करेंगे तो उसका बहुत ही मामूली सा वो आता है मेजरमेंट, तो वो मैंने अभी हटा दिया है, 40 ही रखा है। इसमें हम 2+ कर देंगे। तीन मेजरमेंट हैं जिसमें हम 2+ करेंगे। चेस्ट में इसमें भी 2+ हम ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, और वेस्ट में मतलब कमर इसमें भी हम 2 इंच ऐड करेंगे, हिप में भी हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 था, वेस्ट हमारा 36 मतलब कि कमर, हिप हमारा 41 था। आर्म होल राउंड आपको ज़रूर लेना, जो कि मेजरमेंट में मैंने बताया हुआ है, जो कि हमारा पूरी गोलाई में 17 है, पर जब हम अपना कुर्ती पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और उसका नापेंगे तो इसका हाफ नापेंगे जो कि 8.5 होता है, 8.5 नापेंगे। स्लीव लेंथ हमारी 9 इंच है। स्लीव का जो नीचे बॉटम का राउंड होता है वो हमारा 11 है। फ्रंट नेक हमारा 7.5 है, बैक नेक 6 इंच है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, लोगों को कमेंट आते हैं पेट के लिए, जिनका पेट ज़्यादा होता है उनकी शेप नहीं दी जाती उनसे, तो इसीलिए मैंने पेट का लेंथ का भी नाप लिया था। फिर जहाँ पर हमारा पेट का लेंथ आया वहाँ पर मैंने राउंड का भी लिया, तो शोल्डर से ले कर पेट का जहाँ पर हमारा नाभी आती है वहाँ पे, जहाँ पे फुल पेट आता है वहाँ पे मैंने लिया, तो लंबाई 20 इंच था। फिर वहीं पे मैंने राउंड किया तो 38 था पेट, तो इसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। 40 का हमें चौथा हिस्सा लेना है। उसी तरीके से चेस्ट का भी इस यहाँ पर हो जाएगा 42, इसका हमें चौथा हिस्सा लेना है, इसका हो जाएगा 38। कमर का इसका हमें चौथा हिस्सा लेना है, और इसका हो जाएगा 43 हिप का, तो इनका हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो इसका चौथा हिस्सा होगा चेस्ट का 10.5 इंच, तो वेस्ट मतलब कमर का 38 है, तो इसका चौथा होगा 9.5 इंच, और 43 का होगा चौथा 11.5 इंच, 11.5 इंच मतलब कि 11 से थोड़ा सा कम। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट है जिससे मैं लगाने वाली हूँ, जो हमें कुर्ती पे मेजरमेंट लेना है 4 फोल्ड पे, वो हमारा ये वाला मेजरमेंट रहेगा, इसको लेना है हमें। तो हमें लंबाई का माप तो पता होता है हमारा, जैसे चेस्ट की लंबाई का माप भी पता होता है, कमर की भी पता होता है, और हिप का भी पता होता है जो नॉर्मली हम लेते हैं। पेट का यहाँ पर एक नया ऐड हुआ है, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कुर्ते की लेंथ है, तो
पहले मैं फ्रंट पोर्शन ही काट रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे बीच में कढ़ाई है, और ये कढ़ाई को भी मैंने दोनों नेक को पकड़ के यहाँ पे पिन अप कर लो आप इस तरीके से, अगर आपका नेक है तो दोनों साइड को मिला के पिन अप कर लिया है मैंने ताकि खिसके ना ये। तो यहाँ पे तो मैं फ्रंट के इस तरीके से कढ़ाई को बीचों बीच फोल्ड करके रखा है मैंने, पर जब मैं बैक पीस काटूँगी तो मुझे उसमें से स्लीव भी काटना है, तो उसको मैं अलग ढंग से रखूँगी, ये आप देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी 40 इंच की लेंथ है तो मैं इसमें 1.5 इंच बढ़ा लूँगी, आधा इंच ऊपर जो शोल्डर में भी दबेगा और 1 इंच जो नीचे फोल्ड हो जाएगा उसका भी मैं दबा लूँगी, तो पूरा 1.5 इंच में दबा लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे 41.5 इसको मैं बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स शोल्डर यहाँ पे 14 है जिसका हमें आधा लेना होता है जो कि 7 हो जाएगा। तो 7 में भी क्या है कि इसका जो बैक नेक होगा वो थोड़ा सा डीप है, मतलब 4 होता है तो हम नॉर्मली शोल्डर रखते हैं, पर अगर 6 है जैसे बैक नेक डीप तो मैं 1 इंच कम कर लूँगी। तो 7 था तो मैं यहाँ पे 6 इंच कर लूँगी इसका शोल्डर, और यहाँ से नॉर्मल शोल्डर जो था हमारा 7 इंच था, तो ये वाली लाइन हमें उसमें से 1/2 इंच कम करके लेनी है, मतलब कि 6.5 इंच। तो कमर की लंबाई जो है हमारी, ये अपर चेस्ट की जो निशान हो गया ये अपर चेस्ट का हो गया, फुल चेस्ट का निशान अगर आपने बॉडी पे नहीं लिया है, मैं भी भूल गई हूँ बॉडी पे लेना, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस निशान से 4 इंच या 3.5 इंच नीचे लगा लें फुल चेस्ट का निशान, क्योंकि नापा तो हमने फुल चेस्ट को ही है, तो यहाँ पर ये वाला निशान लगा लें। अब फिर से इसको हम शोल्डर पे रखेंगे, कमर का निशान नॉर्मली जो है हमारा 15 इंच पे आता है, हिप का निशान जहाँ पे चाक खुलते हैं, कई लोग 21 भी रखते हैं, 22 भी रखते हैं, 23 भी रखा जाता है, तो मैं यहाँ पर जो है 22.5 इंच रख रही हूँ। अच्छा, जब हमने पेट की लंबाई का निशान लिया था तो वो 20 इंच पे आ रहा था, तो इन सब निशानों को मैं सीधा कर लेती हूँ। तो इन सब की चौड़ाई के निशान भी लगा लेते हैं, मतलब कि गोलाई में जो हमने लिए थे। तो हमारा जो अपर चेस्ट होगा, जो ये फुल चेस्ट है और ये अपर चेस्ट, दोनों बराबर ही होगा, जो कि हमारा 10.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर 10.5 इंच में लगा लेती हूँ। तो फुल चेस्ट ये है हमारा, ये वाला निशान, इसका भी 10.5 लगाऊंगी, इसको हल्का सा कम कर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा कम होता है। कमर है ये हमारी, कमर का जो है हमारा 9.5, तो 9.5 पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पर पेट का निशान है जो कि 40 आ रहा है, उसका आधा हमने 10 किया, तो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ निशान आपको एक समझाने के लिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैं निशान लगाऊंगी तो आप देख लेंगे। और यहाँ पर हमारा 10.5 इंच पे एक निशान आएगा, ये हिप का है, और क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है तो जो नीचे है उसका भी 10.5 ही लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, मतलब कि 11 कर लूँगी इसको पूरा, तो ये 11 हो गया। तो चलिए इनको सबको मैं सीधा कर लूँगी सबसे पहले। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी मैं स्केल्स का यूज़ कर रही हूँ वो अगर आपके आसपास मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कई लोगों को मिलते नहीं हैं शॉप पे, तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप क्लिक करके इनको मंगवा सकते हैं घर बैठे ही। यहाँ से आप मार्जिन भी छोड़ लें, 1.5 इंच में छोड़ लूँगी, और यहाँ पर चाक बनाने के लिए सिर्फ 1 इंच छोड़ूंगी, सिर्फ 1 इंच ही यहाँ पर लगता है चाक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात आती है आर्म होल की। तो नॉर्मल शोल्डर हमारा 7 इंच था डबल से, तो यहाँ पर जो है हम 7 इंच ही लेंगे, और ये बैक का हो गया और फ्रंट का इससे 1 इंच अंदर, ये दोनों निशानों को मैं इससे मिला लूँगी, और हल्का सा इसमें आपको शोल्डर डाउन करना है, बिल्कुल हल्का सा लगेगा क्योंकि डीप नेक है ना बैक का, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा।
और यहाँ पे हम गोलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स निशान तो मैंने पूरी लगा दिए हैं और इसी निशान पे जो है मैं कटिंग कर लूँगी और इसी पीस को रख के हम बैक का पीस भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रंट की तो कटिंग हो गई है, अब हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक जितना हमें कपड़ा बिछाना उतना बिछा लेंगे, जितनी इसकी चौड़ाई है इतना ही डबल करके हम बिछाएंगे उसको ताकि हमारा कपड़ा बच जाए। तो ये 12 इंच है, 12.5 इंच पे हम उसको बिछा लेंगे डबल करके। पहले इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से 12.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और ऊपर भी ऐसे ही निशान लगा लूँगी और इन दोनों निशानों को पकड़ लूँगी इस तरीके से। मैंने सीधा कर लिया और अब आप देख रहे होंगे कितना कपड़ा जो है हमारे पास वो बच गया है। तो इसको रख लेंगे हम फ्रंट पीस को अपने। तो फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है और इसके ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग हो गई है। यहाँ पर आप एक कट लगा लें और जहाँ पे ये निशान है यहाँ पर भी आप कट लगा लें। तो क्या है कि सिलाई के दौरान बहुत ही आसान हो जाता है, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं दोनों को पकड़ के जोड़ने के लिए तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे हिप का निशान कट लगा लेंगे और यहाँ पे कमर का। अब ये वाला जो फ्रंट है इसको हम कट कर लेंगे, बैक को नहीं करना है, खाली फ्रंट निशान को हम कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया है। तो अब हम स्लीव भी कट कर लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा बचा है इसको हमें 9 इंच लंबी स्लीव बनानी है। तो इसको पहले एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हैं और फिर 10 इंच लेकर 10.5 इंच ले लेते हैं क्योंकि ऊपर शोल्डर में भी दबेगा। और इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। तो ये हमारा स्लीव बन जाएगा इसमें। तो इसका लेंथ हमें 9 इंच चाहिए। तो 1 इंच मैंने फोल्डिंग का लिया है और ऊपर जो सिलाई में भी जाएगा वो भी ले लिया है। अब यहाँ से 3.5 इंच या फिर 3 इंच नीचे जाएंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर लेंगे निशान को। तो फ्रेंड्स यहाँ से फोल्ड साइड है, देख लें आप अच्छे से, इसको हम सीधा कर लेंगे। तो अब चेस्ट को देखेंगे। चेस्ट जो था बिना लूजिंग के हमारा जो था चौथा हिस्सा 10 इंच था। तो 10 में से आपको 1 इंच कम करना है, मतलब 9 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से रखना है तिरछे में और 9 इंच देखना है कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा 9 इंच आ गया यहाँ पर और ये हो गया मार्जिन का। तो जो हमारा राउंड था, मतलब कि जो बॉटम का स्लीव का, वो हमारा 11 था, मतलब कि 5.5 इंच। और इसमें भी हम 1 इंच और 1.5 इंच जो है इसमें हम मार्जिन का ले लेंगे, इस वाले निशान को इससे मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे और एक शेप हम फ्रंट की लगाएंगे। तो इस तरीके से ही ये फ्रंट की शेप लगाई जाती है। तो ये बैक पे काटेंगे पहले हम यहाँ से लेके और यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कट देना है, उसके बाद हम स्लीव को खोल लेंगे। तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो हमारा, तो फ्रेंड्स जो निशान है वो मैंने गलती से सीधे पे लगा दिया है, पर आपको ध्यान रखना है कि जो निशान है वो उल्टे पे लगाना है। तो अब ये वाला मेरा सीधा है, जो ऊपर पड़ा है वो मेरा सीधा है क्योंकि ये लाइंस बनी हुई है तो मैं महसूस कर सकती हूँ इसको, ये वाला सीधा है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है, सीधे सीधे अंदर जाएंगे दोनों। तो मेरा सीधा सीधा दोनों अंदर गया
और उल्टा उल्टा दोनों इस तरफ है, एक उल्टा ये है एक उल्टा ये है। तो आपको फ्रंट का जो कट लगाना है, जो कटिंग करनी है, वो इस तरीके से करनी है, दोनों को इस तरीके से बिछाना है। क्योंकि ज़्यादा जो गलती होती है जब हम स्लीव जॉइंट करते हैं, तो जो फ्रंट के होते हैं वो बैक में चला जाता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं दोबारा से निशान लगा लूँगी फ्रंट का, सीधा सीधा दोनों अंदर, और इस तरीके से आप फ्रंट का निशान लगा लें फिर से, और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने बहुत बार स्टिचिंग बताई है, पूरी एपिसोड बनाया हुआ है स्टिचिंग का, मैं उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी। बट मैं आपसे जो है इसका नेक जरूर शेयर करूंगी, इस कुर्ती का जो नेक है हमारा, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि ये कढ़ाई वाला नेक है और जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हमें नहीं चाहिए। तो उसको कैसे बनाएं, जैसे कि इसकी चौड़ाई आप देख रहे होंगे 3.5 है डबल से, तो हमें सिर्फ 3 इंच ही चाहिए। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप ज़रूर देखना, इसमें नेक का मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।